अभी हम डोंगर गांव आए थे शहादा, तो वहाँ जो मैटर हुआ ऐसा हुआ कि छुट्टी का वक्त था 4 बजे और वैसे भी ऑलरेडी 7:30 बज गए थे और हमारा प्रोग्राम था हमारे एरिया में यानी कि 4-5 घंटे दूर। तो वैसे अभी उनका मैटर मैं नहीं जानता कैसा रीति रिवाज है, लेकिन उनको वक्त का पाबंद होना चाहिए। अगर आपको इतना ही लंबा काम करना है तो आप जल्दी से वो बारात निकाले और लेके आ जाए, लेकिन इसी मैटर में ज़्यादा बोलने का हो गया क्योंकि देखो वक्त की कमी हो चुकी थी, हमको भी बहुत दूर जाना था और वो ऐसे गाड़ी को आगे जाने नहीं दे रहे थे, इस मैटर में मुझे बोलना पड़ा। लेकिन हाँ, उन्होंने पेमेंट कर दिया था, लेकिन उनके वो ख़राब टाइमिंग की वजह से मुझे दूसरे प्रोग्राम में लेट पहुँचना पड़ा है। 2 बजे 3 बजे जैसा पहुँचा वहाँ मुझे पेमेंट का प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। तो मैं सभी मालिकों से ऐसी विनती करूँगा कि अगर आप अगर बैंड को बुलाते हैं तो एक बात पे फोकस करें कि टाइम पे छुट्टी देने की कोशिश करें। हाँ, अगर बैंड वक्त पे नहीं आया है तो आप इन आप टाइम पे छोड़ दो और आपके हिसाब से 5-10 हज़ार काट सकते हो। अगर आप टाइम से ज़्यादा बजवाते हो तो 1 रुपया भी काटने की आपको कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि एक बैंड में 35-40 परिवार काम करते हैं, एक एक लड़का काम करता है अपने परिवार के लिए। तो पैसे काटो मत और वक्त पे छुट्टी देने की कोशिश करो। जय हिंद जय भारत। मैं जो कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, और जो गांव है अपने डोंगर गांव के जो मालिक है उसने पैसे दे दिए हैं मुझे, लेकिन उन्होंने हद से ज़्यादा टाइमिंग बिगाड़ा था, इसी वजह से मुझे बोलना पड़ा। जो अगर कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ।